दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग है मोहब्बत का शरबत। और अभी मैं उठ चुकी हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करके मोहब्बत का शरबत का स्टोरी करने जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और ऐसे में मोहब्बत का शरबत तो पीना बनता है। बजे हैं करीब 9 और अभी तो थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन दिन का जो तापमान है वो देखने लायक होगा। देखिए चलते हैं। मोहब्बत के शरबत देना एक गिलास। यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हैं कि 2:23 हो गया है और आज का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री पर है। तो आज हम अपने घर से मोहब्बत की शरबत की दुकान जो यहाँ पर है वो हमारे घर से कम 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, आप देख रहे हैं, ये है मोहब्बत की शरबत की दुकान, जो कि छतरपुर ज़िले में पहली बार ये दुकान खुली है और ज़िले में एक ही दुकान है जिसका नाम है मोहब्बत का शरबत। तो आइए हम अंदर जानते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि मोहब्बत के शरबत में क्या है, उसका नाम क्यों रखा गया है। इतनी गर्मी है, टेम्परेचर भी 40 है और ये मोहब्बत का शरबत इस समय पीने में लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। मोहब्बत का शरबत है मैडम। आपने इसका मोहब्बत का शरबत नाम क्यों रखा? मैम ये इसका नाम दिल्ली में सबसे ज़्यादा ये फेमस है वहाँ का, जिस वजह से इसका नाम मोहब्बत शरबत रखा हुआ है। दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर पूरा इसी का दुकान है इसी की। इसमें क्या क्या मिलाया जाता है मैडम? पहले सबसे पहले तो इसमें अपन बर्फ़ डालेंगे, बर्फ़ के बाद ये तरबूज काट के डलता है इसमें, या अमूल दूध हो गया और चीनी हो गई, रूह अफ़ज़ा है, ये सब डाल के मैडम बनाया जाता है। छतरपुर में और भी दुकान है मोहब्बत की शरबत की या फिर आपकी पहली दुकान? नहीं मैडम, मेरी पहली दुकान है। सब में ज़्यादा हम यही पीते हैं, मोहब्बत की शरबत। ऐसा क्या खास है इसमें? कोई ख़ास नहीं, इसका टेस्ट अच्छा है और अच्छी सी फीलिंग आती है, जैसे अगर मूड थोड़ी चेंज हो या आउट हो तो अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। थोड़ा प्राइस क्या है? प्राइस 20 रुपये हाफ गिलास है और 40 वाला फुल गिलास है, बटर स्कॉच आइसक्रीम डालकर फुल। ये दुकान का इनोवेशन अभी ओपनिंग 2-3 महीने पहले ही हुई है। हम लोग अक्सर यहाँ से ट्रेवल्स करते हैं तो निकला करते हैं। चल में जूस वगैरह ये सब गर्मी का सीज़न चल रहा है तो कोल्ड ड्रिंक से तो अच्छा बेटर है ना ऑप्शन। आज का टेम्परेचर कितना है? इस टेम्परेचर के हिसाब से कितना फ़ायदेमंद है ये मैडम? एक्चुअल में टेम्परेचर के लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं, जब गर्मी लगेगी तो उसमें पानी भी पी सकते हैं। एक्चुअल में जूस का एक ये है इनोवेशन कि अपन को कुछ बाहर की चीज़ खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो उससे बेटर है जूस। बाकी अच्छा है क्योंकि उनकी कोई मिलावट वगैरह नहीं है, अच्छे से बनाते हैं, सामने बना के पिलाते हैं ये। बाकी बहुत अच्छा लगा। तो क्या पीने से सच में मोहब्बत जैसी फीलिंग आती है? हाँ, मोहब्बत जैसी फीलिंग आती है। इतनी गर्मी में इसके पीने का कितना मजा आता है? नहीं, फ्रेशनेस मिल जाता है, महीने के मूड थोड़ा ठंडा हो जाता है इसको पूरी, मतलब कि है पानी की कमी वगैरह होती है, प्यास लगती है, तो ये है कि ठंडा कुछ मिल जाए तो गर्मी में थोड़ा सही लगता है। बहुत ही अच्छा है सच में, इसका नाम जो रखा गया है मोहब्बत का शरबत, बादल में ये नाम रखने वाला है। तो आइए आप लोग भी यहाँ पर मोहब्बत का शरबत पीजिए और छतरपुर में जब भी आइए मोहब्बत का शरबत बगल नहीं जाएगा। जो एक बार पीता मतलब एक बार जो पी जाए कस्टमर तो वो हमेशा के लिए मतलब बन जाता हमारे, मतलब इसको पी
पीने के बाद मोहब्बत ही हो जाती समझो दुकानदार से। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।